चलिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जी हाँ, दिवाली नज़दीक है और इसको लेकर अब जो है कुमार जो है अपने कार्य में पूरी तरह से जुट चुके हैं। जी हाँ, बता दें आपको, दिवाली अगर हम शब्द लेते हैं तो यह पर्व दीपों का पर्व होता है और कहा जाता है कि श्री राम जी जब अयोध्या लौटे थे तो उनकी खुशी में इस पर्व को मनाया गया था, दीपों को प्रज्वलित किया गया था और इसको लेकर अयोध्या वासियों ने जो है खुशी जागृत की थी। पर शायद आज के आधुनिक युग में जो है कहीं ना कहीं यह मिट्टी के दिए का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यह भी हम आपको बताते हैं। आप जब दिवाली के वक्त बाज़ारों में निकलेंगे तो आपको दिखाई देगी कि रंग बिरंगी लाइटें जो है वह दुकानों में लटकी हुई होती है और वहाँ पर जो है खरीदारों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और यह भी लोग कहते हैं कि इंसान को मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए, तो आखिर क्यों आज के युग में जो है इस मिट्टी से बने दिए को लोग नहीं खरीदते हैं। हम इस वक्त आए हैं, एक कुमार चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको उनकी दर्द सुनाएंगे, उनकी मेहनत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनसे वह तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्हें आज के युग में झेलना पड़ता है इस आधुनिक युग में, कि कैसे दिए जो हैं वह निर्माण कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसके बजाबते जो है उतनी राशि नहीं मिल पाती है, उतनी बिक्री नहीं हो पाती है। हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, हम चाहेंगे आपसे कुछ बात जानना। पहले तो ये बताइए, दिया बनाने में कितना मेहनत लगता है? दिया बनाने में तो बहुत मेहनत है। दिया बनाने से पहले मिट्टी लाना पड़ता है, मिट्टी को फुलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको, इसके बाद दिया बनाना पड़ता है चाक पर। कितना दिया दिवाली में आप हर साल बनाते होंगे, दिया और वो बुटकी जो है कितना बनाते होंगे? हम लोग दिया लगभग 3-4 हज़ार हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, आज के युग में, आधुनिक युग में दिए का बिक्री कैसा है? कहीं ना कहीं दिया और बुटकी का बिक्री जो है वह घट गया है, लोग मिट्टी के दिए छोड़कर आर्टिफिशियल दिए पर आ गए हैं, वह तमाम लाइटों पर आ गए हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षक होती है, क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे क्योंकि पहले के बनिस्पत, पहले के मुताबिक आजकल थोड़ा दिया का बिक्री घट गया है। पहले जिस तरह बनाते थे बिकता था, उस तरह अब नहीं बिकता है। तो आप लोग का मुख्य काम यही है इससे? हाँ, मेरा मुख्य काम यही है। तो सालों भर जो है आप लोगों को इस पर्व का इंतज़ार होता होगा, इस पर्व में उतना बिक्री नहीं होता, कैसे क्या कुछ कर पाते हैं आप लोग? सालों भर जो है ना, जैसे कि दिया के समय में दिया बनाए, पूजा पाठ के समय में कलश वगैरह बनाए और इसके बाद मिट्टी का प्याली होता है जो चाय के लिए बनाया जाता है, वो हम लोग सब दिन चलते रहता है। इस बार कैसा लग रहा है, क्या मार्केट में बिकेगा दिया? दिया तो जो बिकेगा बिकेगा ही, लेकिन भुटकी जो होता है वो नहीं बिकेगा क्योंकि किरासन तेल मिल नहीं रहा है और जहाँ मिलता भी है तो वो बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि मैंने आदमी खरीद नहीं सके। सुनिए, एक बड़ी बात निकल कर आई है, इन्होंने बताया कि इस बार दिया तो ज़रूर बिकेगा लेकिन वह भुटकी जो आप देखते हैं वह नहीं बिकेगा। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, या हम सोच सकते हैं या कह रहे हैं कि किरासन तेल जिसमें जो इससे वह भुटकी जलती है उसका मूल्य जो है काफ़ी हो चुका है और उसका उपलब्ध भी जो है वह काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ता है लोगों को उस तेल में। हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को एक दिया काट कर आप दिखा दें किस तरह दिया काटा जाता है, एक बार आप वह दिखाएं। तो आप देख सकते हैं, देखिए, यह काफ़ी मेहनत करते हैं, यह वह चक्की घूम रही है और इनके हाथों में वह कला है कि वह इस दिए को बनाते हैं। तो हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि इनकी कला को आप इस तरह आज के आधुनिक युग में खोने ना दें, इनकी कला का आप कद्र करें और इनके घर भी दिवाली हो इसलिए आप दिए और भुटकी खरीदें और आप ज़रूर खरीदें, हम यही कहना चाहेंगे। चाचा, दिवाली में आप लोगों को भी आशा रहता होगा कि आपका दिया बिके, फिर आप लोगों को भी पैसे आए, और इस तरह जब नहीं बिकता है तो क्या कुछ मन में रहता है? तो मन में रहता है इतना जो मेहनत किए, कड़ी मेहनत, सब बेकार हो गया। सब बेकार हो गया, मतलब आपके घर में पर्व तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं दुख में आप लोग पर्व को मनाते हैं। अच्छा, ये कला सीखे कहाँ से आप? सीखे क्या, मेरे बाप दादा के यही सब काम करते थे तो उसी सब के साथ रहते रहते हम लोग भी सीख लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार जो है या प्रतिभा जो है किसी की मोहताज नहीं है। जी हाँ, पिछले युग में इस दिए बुटकी का क्या महत्व था वह आप भी जानते होंगे और शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक युग में यह दिया और बुटकी क्यों खोते जा रहा है, यह एक सवाल उत्पन्न होता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप
इन दियों को भी खरीदें ताकि इनके घर में भी उस शाम जो है खुशहाली आ सके, उस शाम जो है या अपने पर्व को खुशी के साथ मना सकें। इस तरह की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं जिला टॉप, मैं हूँ आदर्श।